हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑफ किचन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक नई रेसिपी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने किचन में हरे मटर का छोला बनाएंगे। हरे मटर का छोला बनाने के लिए हमने सारी सामग्री पहले से रेडी करके रख ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हरा मटर लिया है। हम हरा मटर लिए हैं, इसे अच्छे से उबाल लिए हैं, पहले से उबाल के रख लिए हैं। और ये हमारा साबुत खड़ा गर्म मसाला है, और इसमें हम लोग का हरा मिर्च, हरी लहसुन, अदरक है। गरम मसाला और हरी मिर्च, हरी लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है, और ये एक से दो टमाटर लिए थे जिसे हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। दो प्याज को हमने महीन कट करके रेडी कर लिया है। ये हमारा छोला मसाला है, और हमने छोला में थोड़ा सा आलू ले लिया है डालने के लिए। थोड़ा सा दो आलू है, इसे हमने अच्छे से कट कर लिया है। हम छोला में डालेंगे। आप चाहे तो आलू यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करते, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग को आलू अच्छा लगता है इसलिए हम यूज़ करेंगे इसमें आलू। चलिए चलते हैं छोला बनाने। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें तड़का देने के लिए दो तेज़पत्ता डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, दो सूखा लाल मिर्च डालेंगे। हमारा तड़का अच्छे से भून गया है। हम इसमें अपना कटा हुआ प्याज डालेंगे। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने जो मसाला का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा छोला मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हमने एक चम्मच डाला है। हाँ, अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें जो टमाटर हमने कट किया था वो डालेंगे, आलू डालेंगे। ये मसालों के साथ अच्छे से पक जाए इसीलिए हमने डाल दिया है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून कर रेडी हो गया है। हम इसमें अपना मटर डाल देंगे, सारा मटर इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। सर्दियों का मौसम है तो हरे मटर का सीजन है, आप भी बना सकते हैं हरे मटर का छोला। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें दो से तीन कटोरी पानी डालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन लग रहा है। हम अपने छोले को ढककर दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों, हमारा छोला बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बन गया है, अच्छे से पक चुका है। हमारा छोला बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ती डालेंगे, जो कि इसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर बनाएगा। दोस्तों, हमारा हरे मटर का छोला है बनकर रेडी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब बना है। आप भी इसी तरह से हरे मटर का छोला बनाएं, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा हरे मटर के छोले की रेसिपी कैसी लगी। आप छोला चाहे तो रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।